मुझे भी कटवाने अपने बाल में कटवाने हट जा एक बार, मैं खुद ही कर लूंगा। थंबनेल थंबनेल तो बहुत अच्छा रहा। हर चीज खाली व्लॉग पे कंसंट्रेट कर। दोस्तों वैक्सीन लगाने के बाद आज श्रेया तैयार होकर नीचे जाते वॉक करने के प्लान में। वो तो लगाओ मत गाओ, स्ट्राइक आएगा। तुझे लग रहा है मेरी आवाज इतनी सुरीली है? सुरीली नहीं, वो वैसे ही आ जाता है, सारे बैठे हुए हैं। यो वॉक करने के लिए कब लिया था? 15 दिन, कितने दिन के? 20 दिन के बाद निकल रहे ना वापस, उनकी वही हालत होगी जो पहले थी। दोस्तों आज वॉक करने के लिए करीब करीब 1.5 महीने, कब गए थे लास्ट? मैं तो बाहर भी, मतलब वैसे वैक्सीन वाला दिन छोड़ दे तो 1.5 महीने के बाद घर से बाहर निकल रहे। 40-42 दिन बाद जाते हैं। आज सोसाइटी में वॉक करने निकले एक्चुअली। ये देख रहे हो कितने जोश में मैंने साइकिल ली थी वाली। और हालात देख लो इसके, इसको बस मेरे को लॉक याद है क्या है, तो वो टायर में हवा भी अभी तक है। साफ करके चलाना शुरू करूंगा वापस। दो लोग वॉक करते हैं पार्क में, कैसे लग रहे? थकावट भैया, ऐसा नाश्ता घर पे मिले तो बंदा बाहर क्यों ही जाए, बताओ? आप ही बता दो क्यों जाए बंदा बाहर, पीछे के टांगों के बाल हटा दो अगर, इतना सुंदर लग रहा है। दोस्तों आज देखो मैं आपको बता दूं कि श्रेया मेरे पे कितना विश्वास करती है। श्रेया बोल रही है कि श्रेया के बाल काट दे। तुझे नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ मैं बस बोल रही हूँ, काट रही हूँ। मैं काटू? पक्का? हाँ हाँ पक्का। बस ये ऐसे है ना, हाँ। बस ये बस खाली ऐसे करके कैंची मार देनी, बस ऐसे। इसमें जैसे यहाँ ऐसे है ना। हाँ दो पकड़ो, आप मैं बनाता हूँ। गुब्बी प्लीज यार, कुछ मजाक मत करना। तुम मैं पागल हूँ क्या कोई? श्रेया इट्स टाइम टू कट हेयर। वैसे पता है मैं खुद भी कर सकती हूँ। मुझे भी कटवाने अपने बाल में कटवाने। हट जा एक बार, मैं खुद ही कर लूंगा। थंबनेल थंबनेल तो बहुत अच्छा रहा। हर चीज खाली व्लॉग पे कंसंट्रेट कर। मैं सोची मैं खुद ही काट लूं। नहीं ना, मेरे को दोनों में काटूंगा। मैं काटूंगा। श्रेया और ये क्या है, ये क्या काटने की कैंची है तेरी? वो मूंछ काटने की कैंची है। इससे ही काट दे ना मूंछ। तू इससे काटता है? तो और क्या है? तू इससे क्या नाक के बाल काटता है अपने? नाक के भी काट लेता हूँ, मतलब मूंछ और नाक दो। मैं काट रहा हूँ। गुब्बी प्लीज यार ध्यान से, इतना यहाँ ना यहाँ। मेरे को लग रहा है तू गड़बड़ करेगा। नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा। कहाँ आप, ये नीचे की जो पूंछ है ना, ये भगवान है, भगवान है, भगवान। इसके एच में धार कम है पता है। Few moments later. भी ये टेढ़ी जा रही है। वाह यार। आए आए। बेच दूं ये बाल? मैं लगा लूं? हाँ लगा ले तू। क्या करूं इसका? अपने सर पे यहाँ पे लगा ले। घोड़े की नाल का क्या करूँ? आज का मेरा काम हो गया, मैं बहुत बिजी था, मैंने एक बंदे का हेयर कट कराया पूरा। दोस्तों मुझे लगता है श्रेया के बाल शायद थोड़े टेढ़े कट गए हैं, अब पैनिक कर रही है। मेरे हिसाब से सीधे कटे, पर कह रही है टेढ़े कटे। देखो ना, ये देख ऊपर के यहाँ पे अलग। क्या ऊपर के अलग है? श्रेया ऐसे ही होते हैं बाल, थोड़े सीधे ही, सारे सीधे थोड़े ना होते हैं, हल्के फुल्के ऐसे ही होते हैं ना। नहीं सही है, आप उनके टेढ़े मेढ़े के सोच रही है। देख रहे हो क्या टेढ़े मेढ़े रखे ऊपर, यहाँ इधर है इधर नहीं है इधर है। हाँ सही है एकदम। वो है ना, ये वो अलग कट होता है ना जो, हाँ लेयर्स है ना ये। कट गई है पूछ भाई, आपने जो सीधे मेरे हाथ पे दिया मैंने वो काट दिया, मुझे नहीं पता ये सब, पर अच्छे लग रहे हैं, लेयर्स लग रहे हैं मैंने, मेरे को लग रहा है थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ वो बन जाओ फैशन स्टाइलिस्ट। थोड़ा सा और पूछ काट सकते हैं? नहीं भैया मैं नहीं काट रहा, आप गंदा बोलोगे मेरे को नीचे। वैसे दोस्तों आपसे झूठ क्या बोलना, मुझे काटते टाइम ही लग रहा था हल्की सी ना कैची ऐसी जा रही है, पर वो होता है ना कागज में एक बार फ्लो बन जाता है तो उसको नीचे, क्योंकि अगर ऐसी जाके ऐसे नीचे ले आता तो और गंदा हो जाता, तो जैसी जा रही थी मैं तो सीधी ले गई। ये बदला उस दिन का है जिस दिन श्रेया ने मेरे को पूरा गंजा करा था और मेरे यहाँ अलग निशान मार दिया था, यहाँ बाकी सर पे मारा कुछ तो 6-7-5 नंबर और यहाँ पे अलग से वो हटा के 1 नंबर मार दिया, तो यहाँ ऐसा लग रहा है एलोपेशिया पूरा रखा किसी के। अरे सही लग रहा है भाई एकदम। अरे तो वो वीडियो दिखाना जो पीछे से लिया तुमने। क्या दिखाऊं? श्रेया हैज नो आइडिया कि मुझे काटते टाइम पता चल गया थी कैची हल्की ऐसी जा रही है। श्रेया वैसी कहती जाती को मैं ऐसे कमा देता तो और गंदा हो जाता ना, तो दिखा वो वीडियो में, तो मैं ऐसे ही ले गया पीछे से जो लिया तुमने वीडियो ना। हाँ दिखा दो प्लीज दिखा। सुनना अमेजोन से कुछ सामान आया है, मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। क्या है ये? आओ जरा अंडे की अनबॉक्सिंग हो जाए, यहीं पे तोड़ के अंडे की अनबॉक्सिंग कर दूँ। ये मैंने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया, मैं दिखाना चाहती हूँ क्या ये। लोग बोल रहे हैं अमेजोन को प्रमोशन कर रहे हैं, अमेजोन को प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है भाई, जरूरत तो पेप्सी कोक को भी नहीं है। क्या है ये? ऐसे लग रहा है लंच बॉक्स का साइड का वो मंगा लिया है, लंच आया नहीं है इसके अंदर। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया लेकिन। पर ये है क्या? ये हाफ फ्राई बनाने के लिए, हाफ फ्राई एकदम छितर नहीं जाता जब उसमें अंडा डालो तो। अरे माँ कसम भैया मीरो के चोट ताकि गोल रहे, बड़ा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अंदर का वो कम और होगा ना तो सही बनेगा। दो ना कल के आज ही हाफ रहता है बन जाएगा, 5 मिनट बनाते। चलो दोस्तों टाइम फॉर सम अनबॉक्सिंग। ये अमेज़न के पार्सल खोलना ना, बड़ा बड़ा इसमें कुछ है भी कि नहीं? खाली है क्या डब्बा? भगवान की कसम, प्लान नहीं था, भगवान की कसम। ये डब्बे में सिर्फ बिल आया और ये है क्या? एक मिनट रुक जा। ये डब्बा देखो
आपके सामने आज खोला पहली बार, लिटरली खाली आ गया, कुछ भी नहीं आया भाई इसमें। क्या मंगाया था, क्या था इनसे? हमारा ही है ना ये। अरे जंगपुरा भोगल बोल में दो नंबर के काम ही होते, खाली खाली डब्बा पैक करके दे दिया है। बड़ा और आई है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, पहली बार हुआ है मेरे साथ ही, पता है। फर्स्ट टाइम ऑन वीडियो दोस्तों, फर्स्ट टाइम एवर ऑन वीडियो। हाँ यार सच में हमारे साथ कभी नहीं हुआ कि वो खबरें सुनते थे ईंटें आती हैं ये सब आता है, पर कभी हुआ नहीं था, ये तो फर्स्ट टाइम। खाली डब्बा और दो दिन से पड़ा है वो डब्बा, वहाँ संभाल करके उसके अंदर का वायरस चढ़ जाएगा तो यूज करेंगे। और क्या है ये? मैंने मंगाया था मेपल सिरप। यू मेपल सिरप क्या फर्क पड़ रहा है ब्रांड ये मंगाया कितने? तो आ गई, दैट वाज द एंड ऑफ टुडे। नहीं नहीं और एक है। अच्छा देयर इज मोर अनबॉक्सिंग लेफ्ट। सॉरी दोस्तों, वेलकम टू बैड क्वालिटी वीडियो, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो श्रेया को खोला थी। थोड़ा सा इसका वो सामने की स्क्रीन हाथ से। अब तीसरा प्रोडक्ट हम करेंगे रिव्यू, एक मिनट इसका। अरे वाह यार, पहले बता दे। नहीं फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं ना कैमरे पे, तो कैमरा साफ ही अलग ही हो गया यार ये तो एकदम। ये आया मसाला श्री राजा, गौरव को बहुत पसंद है। लोग भी बोलेंगे साले आराम को रोज नाटक करते हैं, भगवान कसम मेरे हाथ पे झटका आ गया, रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है साला, टूटा रहता है मेरा। तो किसने बोला था घर में ऊंचा कुचक के बॉलिंग करने के लिए? मैं बॉलिंग नहीं कर रहा था, मुझे करनी है बॉलिंग। जैसे हल्का सा आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, मजाक नहीं करना इसके साथ, मुझे करना है। मुझे क्या बोल रहा है, तू मत कर मजाक। मैं शोगे से करूंगा, मेरे को हाथ वाथ हिला के करना होता है पूरा। सच में बंद कर दो, सच में अब लग रही है मेरे, सच में। तो इसको बंद करने से तेरा कैसे ठीक होगा दर्द? पता नहीं कैसे, मैं तो रेस्ट चाहिए मेरी बॉडी को, मेरे को नहाना है अभी जा करके। शो है भाई, कहाँ दर्द हो रहा दिखा यहाँ? हाँ आराम दबाना मत, आराम से एकदम। साला क्या कुछ ना कुछ लगा रहता है यार मेरे हाथ पैर पे, ये सिंपल सा नहीं रह सकता कि सही रहे 6 महीना साल 2 साल। वो नहाना है, बंद करो नहाना है भैया नहाना है। चलो मुझे सेटअप दिखा दो मेरे शो का भी। और ये लैंप जो है ना, ये यहाँ के लिए नहीं लाई थी मैं, ये वहाँ के लिए लेकर आई थी और कभी जिंदगी में वहाँ पे गया ही नहीं है। ये कैमरे की हिस्ट्री में बताती हूँ, कैमरा हमने कब खरीदा था, जब मैंने मुंबई में अपनी गुस्से की मारे नौकरी छोड़ दी थी और मैंने बोला था मुझे नहीं करनी नौकरी, थक गई थी। कैमरा दिखाते दिखाते बोलोगे क्या? तो मैंने गौरव को बोला था कि गौरव लेट्स बाय अ कैमरा एंड लेट्स स्टार्ट व्लॉगिंग आवर लाइफ। तो गौरव ने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं, बोला अरे आपने कुछ नहीं बोला था, आपने लिया कैमरा, आपने कहा आप एडिट करोगे वगैरह वो सब। हाँ, तो और मैंने एडिटिंग सीखी भी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद गौरव बिल्कुल, हम यूरोप घूमने गए, हम ये कैमरा लेके गए, मैंने गौरव को बोला भी था कि हम सोच अगर तब से व्लॉगिंग स्टार्ट करते और कितना मस्त ट्रिप था हमारा यूरोप का, वो अगर हम व्लॉग करते। लेकिन ये कैमरा जैसे गया था बक्से में भर के वैसे ही वापस आ गया और आप देखो यही यूज कर रहा है, ठीक है। सो से थैंक्स टू मी। मेरे हाथ में लग रही है, मैं आराम खा लेता हूं थोड़ा। तू पहले डिसाइड कर ले, तेरे हाथ में लग रही है टांग में लग रही है? हाथ में लग रही है। टांग वाला ठीक हो गया अभी फिलहाल? तो ठीक है, पता नहीं ना कब क्या उभर जाए। अमल्फी को उसका कुछ बोल रहा था यार, क्या ट्रिप था ना यार वो हमारा। मुझे तो स्विट्जरलैंड, गौरव को एम्स्टरडैम ज्यादा पसंद आया था फॉर ऑब्वियस रीजंस, बड़ा वहां जाके घूमता था। श्रेया चलो चलो रेड लाइट एरिया ना, इतनी खुशियां नहीं थी रेड लाइट एरिया में एकदम, मतलब एक्चुअली वहाँ खुशियां बहुत थी इन जनरल, सब लोग खुश थे वहाँ, वहाँ जाके एक पॉजिटिविटी थी, कुछ गंदी बात नहीं बोल रहा पर एक चारों तरफ खुशी खुशी का माहौल और बहुत मतलब भीड़ भी थी पर अच्छा था और मस्त जगह में रहने को भी मिला था। नहीं एकदम भीड़ वाली जगह भी नहीं थी हमारी यूरोप में एम्स्टरडैम में, और एकदम खाली भी नहीं। जैसे आप मेन स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन से ट्रैम वो ट्रेन जो उनकी चलती है। एक बार तो हम एम्स्टरडैम सेंट्रल में घूम रहे थे, गौरव को पॉटी आ गई, सुसु आ गई, तो मेट्रो लेके घर आया गौरव फिर वापस आ गया। एंड दिस होल प्रोसेस टुक हार्डली 15 मिनट्स ना। उसी फोटोज तो डालेंगे इसमें, तो डालना अगर हो तो, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बस। सर गौरव जी पूरा सेटअप लगा के आज हमने बहुत सही एक पूरा सेटअप लगा के स्टैंड अप कॉमेडी करी है, कैसे गई? बहुत अच्छा गया शो, मजा आया, दो बार साउंड का इशू आया। ऐसा सेटअप देख के ऐसा लग रहा बहुत बड़ा गेमर है, है? बस ये चेयर चेंज हो जाए। ये चेयर हमारी बात, चेयर प्लास्टिक की चेयर, वो वाले की बारिश बारिश भी है। सरसों तेल का खत्म हो गया, ठीक है आओ काजू आओ। इतना तेल नहीं डालते हैं गोभी यार, तू ना मुझसे चिल्लाता है फिर मैं ऐसे लगती हूँ कितना चिल्लाता आप ही हो, तो बस इरिटेट करता है मुझे लगता है बहुत बड़ा है इसका रेंज, है ना? एक और डालते हैं भाई। वाह मेरा वो मंगा तूने क्या पैक का मेजरमेंट, ऐसे डालते इसलिए ज्यादा हो जाता है। दोस्तों ये पता मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रात का खाना नहीं बनवाया गया, दोपहर का ही खाना चिपकाया जा रहा है, तो मेरा कुछ तो नया स्वाद। रात का खाना इसलिए नहीं बनवाया गया क्योंकि दोपहर में अच्छे से खाना नहीं खाया गया और सब्जियां पड़ी। डबल साइड टर्न करना है तो कैसे करूँ? तो इसको निकाल ले, उसके बाद तो नीचे से तो पक गया होगा, उसके बाद उठा के गोभी प्लीज ये वाला मत यूज कर। अरे यार इससे नहीं में, प्लीज मैं तेरे हाथ मैं उल्टा दूंगी, टूट गया मेरा अंडा बाहर। इसको एक्चुअली पकने तो दे, गीला है ना ऊपर से, गोभी क्या कर रहा है टूटेगा नहीं, टूटा ना सही तो हो गया, ये पराठे बना रहे हैं। ओके गाइज रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ, क्योंकि अभी मेरे इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम लाइफ में 1 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जैसे यूट्यूब पे मैं रेगुलरली एक्टिव रहता हूँ अभी, एटलीस्ट ब्लॉग चैनल पे, इंस्टा पे आई हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब डालता हूँ फिर
20 दिन खाली गायब, फिर एक दिन डाल दिया, दो दिन डाल दिया, कुछ मजेदार आया, फिर दोस्त 10 दिन गायब, 5 दिन गायब। सो थैंक यू सो मच। आई कांट से इफ आई विल बी एक्टिव दैट मच, क्योंकि मेरे को वो नहीं होता, मतलब कुछ चल रहा है तो बनाते रहो, ऐसा लगता है कि फिर मजा आता है करने में तो मैं बना देता हूँ कुछ नया नया कंटेंट, टाइम पास करने के लिए कुछ मजा आता है तो बना देता हूँ। प्लस इंस्टाग्राम से रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता है, इसलिए भी नहीं डालता मैं। जहाँ पे गल्ला भर रहा है वहाँ पे कंटेंट डालो बेटर है। सो बट यार थैंक यू सो मच, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट इज व्हाई आफ्टर व्लॉग्स इट हैज पिक्ड अप गुड स्पीड एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम व्लॉग्स हैव गॉन टू इंस्टाग्राम एंड दे फॉलोड मी। थैंक यू सो मच। बड़ी बात नहीं है पर अच्छी बात है ना, धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, क्या गलत बात है। यूट्यूब पे भी आई थिंक वी विल बी एबल टू टच 2 lakh इन सम टाइम, थोड़ा स्लो है आजकल बट दैट्स ओके, दैट इज हाउ इट हैपेंस, दैट इज हाउ इट गोज। इस खुशी में दो पैग तो होने चाहिए, वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने उसके पहले एक लगा लिया एक छोटा कभी कभी चलता है। बाकी ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई। इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच। वी वांट टू रीच 2 lakh एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आई थिंक 100 व्लॉग होने में 12-13 व्लॉग बचे हैं, वो नंबरिंग ऊपर नीचे चल रही है वो मुझे पता है, तो मैं चाहता तो हूँ कि उससे पहले हो जाए, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एक व्लॉग में 1000 तो नहीं आते। सो या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो ऑन इंस्टाग्राम फॉलो, ताकि 2 lakh हम जल्दी पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। कितना मैं ऐसे काम एंड कंपोज बात कर रहा हूँ ना, मैंने करी ही नहीं है कभी ऐसे। भाई बाल ऐसे बड़े हो गए ना, कटाने हैं, पता है साइड है तो इतनी बड़ी बड़ी है, देख रहे हो फुल वो है ग्रोथ, यहाँ पे कम है तो ये भी लंबे हो गए इसलिए ज्यादा लग रहे हैं, वरना इतने हैं नहीं। ये कटाऊंगा, लॉकडाउन खुलेगा ना 1 जून को, होपफुली 1 जून को खुलेगा। नई की दुकान तो खोल दो यार कम से कम।